Hello everyone. In our previous class, we have studied about the various causes of loss of biodiversity. In today's session, we will study how can we prevent such losses of biodiversity, what type of efforts we can do to conserve our biodiversity. Clear? So when we talk about the biodiversity conservation, the first important thing that comes in our mind, that is key, what are the importance of this conservation program, in the sense key, what are the basically objectives and what are the reason behind the conservation of this biodiversity. The first important point is that for the continuity of food chain, because we know clear, organisms are depend on other organisms for their food requirement. So, for the sustainability of food chain, we should conserve biodiversity. Second is to maintain or to preserve genetic biodiversity. As we have studied, we have thousands varieties of mangoes, clear, or more than 50,000 strains of rice. So, why it is there? It is all because of genetic diversity. So, genetic diversity in food items is really very important for the sustainable development. Clear? Next आता आपके पास में the similar like sustainable utilization of life support systems on earth. Life support system in the sense ki photosynthesis, that is considered as life support system because this is the method that provides us oxygen to survive. Clear? All the foods, medicines or different types of advantages we have seen in the narrow utility or the broad utility which we are getting from the forest. Clear? So, for the sustainable utilization of life support system, we should conserve biodiversity. Next is vast knowledge. Clear? We have seen ki more than 25 drugs which are currently used by the different therapeutic jo agencies hain all throughout the world, we are getting them from plants only. तो पॉइंट ये आया कि अभी भी इन जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर जो प्लांट्स हैं उनके पास में इतनी इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है. तो दिस जो इन्फॉर्मेशन है वो साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो इस इन्फॉर्मेशन को, इस नॉलेज को यूज कर सके, जो ज्यादा से ज्यादा हम ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके. नेक्स्ट आता है फॉर द रिक्रिएशन एंड टूरिज्म. वी हैव सीन कि आजकल काफी लोग अपने प्लान्स बनाते हैं जिसके अंदर हम जनरली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को विजिट करते हैं या फिर हम कोई नेशनल पार्क्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स में जाते हैं. तो व्हाई दिस? क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, यहाँ पर हमको कुछ रेयर स्पीसीज देखने को मिलती है. सो फॉर द रिक्रिएशन एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट को एनहांस करने के लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ता है. एंड नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दीज बायोडाइवर्सिटी आर द इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस पॉलिसी वाई वी से इट, क्योंकि हम देख रहे हैं जनरली कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, वी आर फेसिंग ग्लोबल वार्मिंग और वी नो वॉट विल बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हम ग्लोबल इशूज, जो क्लाइमेटिक चेंज वाले इशूज हैं या फिर हम लोग नेचर से रिगार्डिंग जो डिप्लीशन ऑफ नेचर होता जा रहा है उसके रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं उसको हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत आगे बढ़ सकती है. तो दीज आर द एडवांटेजेस, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स विच आर रियली बिहाइंड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम. क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कि यहाँ पर हमने एक पोस्टर लिया है, दिस पोस्टर इज फॉर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. आपने देखा होगा हम नेचर में बहुत सारे इस तरह के डे सेलिब्रेट करते हैं डेली के अंदर, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे आ जाता है, वर्ल्ड सॉइल कंजर्वेशन डे आ जाता है. तो व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल दिस? सो दैट वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल कि व्हाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो क्लियर, यहाँ पर जैसे 21 मार्च है, दैट इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. तो पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वी हैव सीन कि दीज नेचुरल रिसोर्सेज दे आर वेरी प्रीशियस टू अस, वी कैन नॉट लूज दैट. तो इट्स आवर मोरल और एथिकल ड्यूटी टू प्रिजर्व दैट. तो दिस तरह के स्लोगन्स हैं या फिर इस तरह के जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो सोसाइटी में की जाती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के टूवर्ड्स अवेयरनेस को हम क्रिएट कर सके. नेक्स्ट पॉइंट को जब हम देखते हैं,
सबसे इम्पोर्टेंट अब आया बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन. दीज आर द टेक्निक्स विच वी जनरली यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी. क्लियर? इसमें से कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए चलना है. क्लियर? दो टाइप के मेनली आपके पास में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रोग्राम है. द फर्स्ट वन इज इन सिट्यू एंड द सेकेंड वन इज एक्स सिट्यू. इन सिट्यू इन द सेंस एक हम जनरल मीनिंग निकाले जाए तो इन सिट्यू का मतलब है कि वो जहाँ रह रहे हैं जो स्पीसीज जो थ्रेटन्ड है या जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है उसको आप उसकी जगह पे ही रहने देते हो और उसके चारों तरफ के पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करके रखते हो. क्लियर? इन वो उसी जगह पे है, उसको आपने वहां से उसकी जगह से या उसके हैबिटेट से आपने उसको दूर नहीं किया. When we talk about the ex situ in the sense कि जिसके अंदर आपने उस species को उसके current location से जहाँ उसका main habitat है वहाँ से उठाया और उसको ऐसे protected area में आप grow कर रहे हो जहाँ पर आप उसको ज़्यादा अच्छे से उसका breeding program run कर सकते हो या फिर आप उसकी better care कर सकते हो. तो clear हुआ in situ के अंदर वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, whereas in ex situ आप उनको transfer कर देते हो. When we see in situ, तो in situ में आपको आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया. क्लियर? प्रोटेक्टेड एरिया इन द सेंस कि वो एरिया पूरा प्रोटेक्टेड होता है. जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वहाँ पर वो वहाँ पर इनहिबिट होती है. लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, सिर्फ अथॉरिटीज को परमिशन होती है नॉर्मल हार्वेस्टिंग करना वहाँ पर या फिर हंटिंग करना या फिर फॉरेस्ट कट ट्री कटिंग वाला जो प्रोसेस है वो टोटली इनहिबिट होता है. तो प्रोटेक्टेड एरिया में आप क्या आते हैं, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सेंचुरीज. क्लियर? ये दो मेन स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं. फिर नेक्स्ट आपके आता है जब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जैसे हमने देखा कि हमने दो मेजर बायोम्स की जब हमने बात की थी तो हमने एक एक्वाटिक बायोम लिया था और एक टेरेस्ट्रियल बायोम लिया था. तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि कुछ बायोस्फीयर रिजर्व टेरेस्ट्रियल भी हैं और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स मराइन भी हैं. तो हम उनको आगे देख लेंगे. जनरल इंट्रोडक्शन में आपको ये पॉइंट लेते हैं. फिर जब हम एक्स सिट्यू की बात करते हैं तो उसमें हमारे जीन बैंक्स आ जाते हैं, सीड बैंक्स आ जाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा. सेक्रेट प्लांट और होम गार्डन की हम जब बात करते हैं, सेक्रेट प्लांट्स क्या होते हैं? सेक्रेट प्लांट्स यानी जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले तो तुलसी, तुलसी एक सेक्रेट प्लांट है यानी हम उसको पूजते हैं, इट्स अ होली प्लांट. क्लियर? हम उसको केयर भी करते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं. तो बहुत सारी ऐसी कल्चरल रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटीज है जिसमें किसी ना किसी एनिमल या प्लांट को हमने पर्टिकुलर किसी भी देवी देवता के साथ में या फिर कोई भी गॉड के साथ में उसको एसोसिएट किया है. तो उसको एसोसिएट करने का मीनिंग यही है कि वो जो कम्युनिटी होती है वो अपने गॉड या गॉडेस के साथ साथ में उसका जो सिंबलाइज प्लांट या एनिमल है उसको भी एट द सेम टाइम वो प्रोटेक्ट करती हैं. होम गार्डन जैसे हम अपने घर में डेली जनरली जो ग्रो करते हैं होम गार्डन जिसमें हम बाहर से कोई स्पीसीज लेकर आते हैं उसको अपने घर के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं. तो द होम गार्डन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एक्सिट्यू क्योंकि वो अपने नेचर में प्रेजेंट नहीं है. आप उनको लेकर आए हो, आप उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो और ऐसे प्रोटेक्टेड और केयरफुल एनवायरनमेंट में आप उनको ग्रो कर रहे हो. नेक्स्ट में आता है आर्बोरेटा. आर्बर मीन्स ट्री. तो यहाँ पर ट्रीज को ग्रो किया जाता है, स्पेसिफिकली एरिया होता है यहाँ पर ट्री को ग्रो किया जाता है. बॉटनिकल गार्डन, तो आर्बोरेटा और गार्डन में यही डिफरेंस है बॉटनिकल गार्डन में कि बॉटनिकल गार्डन में आपको हर्ब श्रब मॉस ट्रीज सब टाइप के प्लांट्स मिलेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्बोरेटा तो वहाँ आपको ट्री ही मिलेंगे. सो आर्बोरेटा हुआ, बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स. तो वी हैव सीन सो मेनी जूलॉजिकल पार्क्स जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स को अलग अलग जगह से लाकर रखा जाता है. सिंपली वी कैन से इज अ जू. देन आता एक्वेरिया. तो एक्वेरियम में भी हमने देखा है कि वर्ल्ड के अलग अलग जगह से जो एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं उनको वहां पर हम रखते. तो दिस इज द मैकेनिज्म. क्लियर? ये पूरा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करके हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं. क्लियर पॉइंट? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सबसे फर्स्ट है मैथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विच वी हैव सीन. दो मैथड्स हैं इन सिट्यू एंड एक्स सिट्यू. क्लियर? डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपका आता है दैट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पे बनता है और इसमें बेसिकली जो पॉइंट आपका बनता है वो डिफरेंस का बनता है.
तो इन सिट्यू कंजर्वेशन के अंदर जब हम कंजर्व करते और प्रोटेक्ट करते तो हम पूरे के पूरे होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, क्लियर। सिर्फ एक और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट होने वाला है या फिर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सिर्फ उसी को नहीं प्रोटेक्ट करते, बट उसका जो पूरा का पूरा हैबिटेट है हम उसको प्रोटेक्ट करते। जैसे यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वॉन्ट टू सेव टाइगर वी हैव टू प्रोटेक्ट द एंटायर फॉरेस्ट। जब हम गिर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गिर के लायंस को जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम साथ साथ में उसके पूरे हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उस हैबिटेट में जो दूसरी स्पीसीज भी हैं पैरेलल में, अनडाउटेडली हम ये बोलेंगे या अननोइंगली हम उनको भी साथ साथ में प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जाती है तो प्रोटेक्टेड एरिया में आप जो एंडेंजर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसके साथ साथ में आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी इतना इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देते हैं कि वो वहाँ पर अच्छे से फ्लरिश हो सके। देन आता है एक्सिट्यू। तो एक्सिट्यू में क्या करते हैं कि अगर कोई प्लांट या एनिमल एंडेंजर्ड है या फिर थ्रेटन्ड है या उसका कमिंग फ्यूचर में अगर वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो आप देखते हो कि जब वो बहुत हाई रिस्क को फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का इन द वाइल्ड, यानी अगर वो अपने नेचुरल प्लेस में रहे और वहाँ नेचुरल प्लेस में रहते हुए अब उनको इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है कि इतने चैलेंजेस फेस करने कि वो कमिंग फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे एनिमल्स को अर्जेंट मेजर्स यूज करके एक्सटिंक्शन से बचाया जाता है और आप उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लेकर आ जाते हो। जैसे अगर हम क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर देखते हैं तो जनरली जो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं वो एक्सिट्यू होते हैं, क्योंकि नेचर के अंदर आप वहां से उस क्रोकोडाइल को लेकर आ जाते हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको ब्रीड करवाते हो और उनके नंबर्स को इंक्रीज करते हो, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके उस एनिमल्स को उसके नेचुरल प्लेस में वापस रिलीज करते जाते हैं। तो दिस इज द मैथड। जैसे जूलॉजिकल पार्क्स में अगर आप कोई टाइगर को सेव कर रहे हो और फिर उसके बाद में आप उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हो फॉरेस्ट में, तो वो सारा जो मेथड है वो एक्सिट्यू के अंदर आएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपके पास में कि जो इंस्टीट्यू कंजर्वेशन है उसमें हमने आगे सिर्फ देखा था कि वहां सिर्फ हमने प्रोटेक्टेड एरिया को इंक्लूड किया था, बट उसके साथ में एक और टॉपिक इंक्लूड होता है, दैट इज नॉन एन हॉटस्पॉट्स। क्लियर। ये हॉटस्पॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जनरली राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन हॉटस्पॉट्स के ऊपर आता है, स्पेसिफिकली गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से और उसको ध्यान से देखें। हॉटस्पॉट्स की जब हम बात करते हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, क्लियर, हॉटस्पॉट्स इन द सेंस कि ये एक ऐसे एरिया हैं जहां पर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी प्रेजेंट है, और बायोडायवर्सिटी भी ऐसी कि आपको वो वर्ल्ड में कहीं और नहीं देखने को मिलेगी, यानी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। क्लियर। तो कुछ पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक जो आपके नोट्स में आने ही चाहिए, उसमें सबसे फर्स्ट है कि दे शो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, इन द सेंस कुछ रेयर स्पीसीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे प्लांट्स और एनिमल्स की, जो उस कंट्री में या वो वर्ल्ड में जनरली आपको दूसरी जगह दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट आता है आपको, यानी ये वो एरिया है जहाँ पर स्पीसीज रिचनेस इज वेरी हाई। जो हमने आगे देखी स्पीसीज रिचनेस इन द सेंस कि गिवन एरिया के अंदर कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज रिचनेस। तो स्पीसीज रिचनेस भी इसकी बहुत हाई होती है, यानी बायोडायवर्सिटी इज वेरी हाई इन दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज नोन एज हॉटस्पॉट्स। अब पॉइंट आया है कि पहले 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखे गए थे, पर उसके बाद में उसमें 9 और ऐड हुए, तो 9 और ऐड हो जाने की वजह से अभी करंटली वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, दे आर द 34 हॉटस्पॉट्स। क्लियर पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। क्लियर। अब ये जो हाई स्पॉट्स वाले एरिया, क्योंकि हमें पता है यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत हाई है, कुछ एंडेमिक वैरायटीज प्लांट्स की मिलती है, तो ऐसी जो एंडेमिक प्लांट्स और वैरायटी फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है, इसलिए हॉटस्पॉट्स के साथ में एक नेगेटिव पॉइंट और भी जुड़ा हुआ है कि ये वो इलाके हैं जिनका जो लॉस है ना, आप देखेंगे कि जिनका हैबिटेट लॉस है ना वो भी बहुत फास्ट रेट पे हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हैबिटेट लॉस होता है तो आप सोच सकते हो कि बायोडायवर्सिटी रिच होने की वजह से यहाँ पर कितनी ज्यादा स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी, जब हम इंडिया के
हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं तो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं जिसको आपको याद रखना है. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर. सबसे फर्स्ट है वेस्टर्न घाट, तो हमने देखी पढ़ ही लिया है वेस्टर्न घाट, और नीचे जाकर वो जहां पर श्रीलंका से जुड़ता है. क्लियर? तो ये हो गए इंडिया के फर्स्ट हॉटस्पॉट. सेकेंड नंबर पे आता है इंडो बर्मा. इंडो बर्मा यानी आपका जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट वो भी क्या कहलाता है, हॉटस्पॉट है, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा है आसाम मेघालय वाली जो स्टेट आते हैं. नेक्स्ट आता है हिमालय. ये तीन आपके इंडिया के सबसे हाई बायोडायवर्सिटी वाले एरिया है, यानी वी कैन से दीज आर द 3 हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया. इन्होंने कहा है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वो जनरली पूरे अर्थ की अगर हम एरिया की बात करें तो वो सिर्फ उसका 2% ऑक्यूपाई करते हैं. क्लियर? ओनली 2% लैंड ऑक्यूपाई करते हैं टोटल अर्थ का. लेकिन जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये अर्थ की टोटल 44% स्पीसीज इस 2% लैंड एरिया में रहती है. तो आप इसको कैलकुलेट करके भी सोच सकते हैं कि इस एरिया का बायोडाइवर्सिटी कितना रिच होगा. क्लियर? तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब एक बहुत छोटा सा इलाका जो बहुत बायोडायवर्सिटी रिचनेस शो करता है, अगर हम इन्हीं इलाकों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दें, लाइक इन्होंने कहा है, तो हम जो करंट मास एक्सटिंक्शन जो चल रहा है, जो करंट ऑनगोइंग 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो हमने देखा कि वो प्रीवियस मास एक्सटिंक्शन के कंपैरेटिवली 100 to 1000 टाइम्स फास्टर रेट पे हो रहा है, तो हम उस मास एक्सटिंक्शन को 30% तक कम कर सकते हैं. क्योंकि पॉइंट क्या है, आपको कंजर्व जो एरिया करना है ना वो बहुत कम है, बट वहां पर जो बायोडायवर्सिटी रिचनेस है वो बहुत ज्यादा है. तो आप अगर इस एरिया को ही प्रोटेक्ट करो तो जो आप एक्सटिंक्शन है, मास एक्सटिंक्शन, उसको बहुत हाई रेट के ऊपर आप उसको सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट आता है आपके पास में प्रोटेक्टेड एरिया. अब नाम से प्रोटेक्टेड एरिया चल रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर नेचुरल पॉइंट आएगा कि जो नेचुरल है और जो कल्चरल रिसोर्सेज है यहाँ के वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, अलोंग विथ मेंटेन किए जाते हैं एंड मैनेज किए जाते हैं. क्लियर? वहां पर कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी काम करती है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के कल्चरल और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है. तो अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया को इंक्लूड करें तो उसमें आते हैं नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देकर चलिएगा. तो हम आप सबसे फर्स्ट ले रहे हैं, दैट इज नेशनल पार्क्स. ठीक है, नेशनल पार्क्स और नेशनल सेंचुरीज में भी डिफरेंस पूछा जाता है. तो पॉइंट आ गया यहाँ पर, दीज आर द एरिया विच इज मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. क्लियर? ताकि वहां का जो इलाका है उसको हम बेटर कर सके, यानी वहां पर जो स्पीसीज हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, और जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है उसको हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसकी वजह से उनकी जो ब्रीडिंग है वो इंक्रीज हो और विद टाइम बिंग उस पॉपुलेशन के नंबर बढ़े. जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब हम गिर लायन की बात करते हैं तो गिर फॉरेस्ट के जो लायंस हैं वो उनके नंबर्स कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गिनीज जो वर्ल्ड बुक है उसमें नाम भी आ गया है कि बहुत कम टाइम में हमने बहुत ज्यादा अपने लायंस के नंबर्स को बढ़ाया है. तो क्लियर? तो ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर हम डिफरेंट स्पीसीज को एक ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो ब्रीडिंग है फास्ट रेट पे हो और उनको कम से कम डेंजर को फेस करना पड़े. तो पॉइंट आता है यहाँ पर, यहाँ पर ये सारी चीजें अलाउ नहीं है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना. ग्रेजिंग यहाँ अलाउ नहीं है, कल्टीवेशन, फॉरेस्ट्री एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है. यानी हम एक पॉइंट में बोले कि किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो जब हम नेशनल पार्क्स की बात करते वापस आया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको ये डेटा याद रखने हैं 90 हैं, लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो देयर आर 100 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है इंडिया के अंदर. क्लियर? जो टोटल इंडिया का 1.1 ज्योग्राफिकल एरिया या लैंड को कवर करते हैं. हम जब बोलते हैं तो कुछ लैंड
जो नेशनल पार्क्स हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है कि उसमें फिर नेशनल नहीं इंटरनेशनल एजेंसी भी वहां पर काम करना शुरू करती है। तो जो यूनेस्को है, आपने नाम सुना होगा यूनेस्को को, तो यूनेस्को पूरे वर्ल्ड में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या एरियाज को सेलेक्ट करती है और फिर उनको वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, क्लियर, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। ये तो हो गया आपका नेचुरल, लेकिन जैसे ताजमहल है, ताजमहल इज अ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो भी इंडिया में प्रेजेंट है। तो नॉर्मल हम बोल रहे हैं कि उसमें से बहुत सारे जो नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, जैसे केवला देव जो बर्ड सेंचुरीज हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, दैट केवला देव बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम देखते हैं जब हम इंडिया के फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, दैट इज नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड स्टेट में प्रेजेंट है करंट। प्रीवियसली इट वाज इन यूपी, उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब इट इज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो क्लियर हुआ, ये हमने पढ़ा नेशनल पार्क्स के बारे में। तो दीज आर द नेशनल पार्क्स जिसमें अलग अलग इलाकों में हमारे पास में करंटली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 19 नेशनल पार्क्स है, जिसमें हम डिफरेंट एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका सेंचुरीज, ठीक है, नेशनल सेंचुरीज। क्लियर, ये भी सेम एरिया है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसा प्रोटेक्टेड हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक छोटा सा पैच होता है या ट्रैक्ट होता है जहाँ पर आपको लीगली ही प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ पर वैरायटी को, बट अलोंग विद वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे हंटिंग है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हार्वेस्टिंग करना, प्राइवेट लैंड ओनरशिप वहाँ पर अलाउड होती है। क्लियर, प्राइवेट लैंड ओनरशिप इन द सेंस कि वहां पर कई लोगों के फार्म हाउसेस हो सकते हैं, तो वहां पर की जो लैंड है वो ऑन सेल होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं वहां पर आपको स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं आप वहां कट नहीं कर सकते या एनिमल्स को आप वहां पर हंट नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में 448 नेशनल सेंचुरीज हैं, बट करंटली अगर हम देखें तो दैट इज 551 नेशनल सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, जो पूरे टोटल इंडिया का 3.6% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है। जैसे अभी हमने कहा कि नेशनल पार्क से जब हमने बात की तो वो 90 थे वेयर एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन जब हम सेंचुरीज की बात करते हैं तो दे आर 448 नेशनल सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो आपके डिफरेंसेस यहाँ पर बन रहे हैं, इसलिए आप इन टॉपिक को ध्यान रखना, डिफरेंसेस तैयार करने हैं आपको इस पॉइंट के। तो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू भी इस क्वेश्चन पे बनते हैं। क्लियर, दे आर द मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया। क्लियर, प्रोटेक्टेड एरिया है नो डाउट, बट मल्टीपर्पज है इन द सेंस कि उसकी अलग अलग लेयर्स हैं और हर लेयर्स के अपने रूल्स और लेजिलेशन होंगे, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है दैट was initiated in year 1975 under MAP program of UNESCO. बहुत important point है, MAP पे आपको question मिलता है, that is man and biosphere. क्लियर, फुल फॉर्म पूछी जाती है मैप स्टैंड्स को, तो मैन एंड बायोस्फीयर वाली यहाँ पर बात आई। अब क्यों मैन एंड बायोस्फीयर, तो आपको ये एक तो ध्यान रखना है कि पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व है दैट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय यूनेस्को एंड प्रीवियसली इट इज नोन एज मैप, मैप मैन एंड बायोस्फीयर के प्रोग्राम। अब पॉइंट यहाँ पर आ गया कि इंडिया में करंटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट है। क्लियर, सेम लाइक जैसे अभी हमने कहा कि कुछ नेशनल पार्क्स भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, द सिमिलर लाइक बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आल्सो नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब ये किस तरह से फंक्शन करते हैं वो आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर। क्लियर,
अब हम इसको डायग्राम में जब हम देखते हैं तो हमको तीन जोन्स दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट इज ट्रांजिशन जोन जो आउटर मोस्ट है, फिर उसके बाद मिडिल में आता है बफर जोन और सबसे अंदर आता है कोर जोन। इन तीनों जोन्स को हम यहाँ पर देखते हैं, इन तीनों जोन्स को हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। क्लियर, लेट्स सी। तो इनमें जब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं तो देयर आर थ्री जोन। सबसे अंदर वाला जोन होता है, दैट इज नोन एज कोर जोन, एकदम सेंटर में। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जा सकती। क्लियर, दैट एरिया इज हाईली अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड एरिया। किसी भी इंडिविजुअल को वहां जाने की परमिशन नहीं होती है। क्लियर, यानी आप अल्टीमेटली क्या है, वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हो जो एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है आपका बफर जोन। बफर जोन के अंदर ठीक है, अब नॉर्मल एक्टिविटी तो अलाउ नहीं की जाती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज लाइक कुछ रिसर्च प्रोसेसेस हैं तो वो वहां हो सकते हैं। अगर कोई एजुकेशनल सेटअप वहां पर करना है, कुछ स्पीसीज के बारे में स्टडी करनी है, कोई रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है, तो एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के बेस पे बफर जोन जो है वहां पर रिसर्च और एजुकेशन से रिगार्डिंग जो फंक्शंस है उसको अलाउ किया जाता है, दैट इज इन बफर जोन। और सबसे आउटर मोस्ट आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वो है जहाँ पर हमको एक्टिव कोऑपरेशन दिखाई देता है बिटवीन गवर्नमेंट बॉडी एंड लोकल पीपल, क्योंकि मैन एंड बायोस्फीयर कहने का इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट ही यही था कि अगर हमें किसी लोकल एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल ये पॉसिबल नहीं है। तो लोकल पीपल को वहाँ पर इन्वॉल्व करके आप उस एरिया को बहुत लार्ज स्केल पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई प्रीवियसली इट इज नोन एज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो जो ट्रांजिशन जोन है वहां पर एक्टिव कोऑपरेशन दिखाई देता है बिटवीन द गवर्नमेंट बॉडी या फिर जो मैनेजमेंट बॉडी है एंड लोकल पीपल। और वहां पर जो ट्रांजिशन जोन है उसमें वहां के लोकल लोग रह भी सकते हैं, वो वहां पर लैंड भी परचेज कर सकते हैं, वो वहां पर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं, यानी कलेक्ट करके उनको सेल भी की जा सकती है। यानी अब बहुत लो लेवल पे वहाँ पर पोचिंग है, हंटिंग है, या फिर जो रेजिड्यू है प्रोडक्ट फॉरेस्ट का वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें वहाँ पर परफॉर्म की जा सकती है। क्लियर, तो अब हम इसको वापस डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। तो हमने ये जो डायग्राम अभी देखा था उसमें सबसे बाहर आ गया आपको ये ह्यूमन सेटलमेंट दिख रहा है। ये ह्यूमन सेटलमेंट आपको दिखाई देता है ट्रांजिशन जोन में। क्लियर, जहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन किया जा सकता है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। फिर आता है आपका बफर जोन। तो बफर जोन जनरली फॉर टूरिज्म है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल भी अगर यहाँ पर है तो वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड मैनर में होगा। एक पर्टिकुलर एरिया ही अलाउ किया जाता है फॉर ग्रेजिंग, और एक बार वो एरिया जब खाली हो जाता है तो फिर दूसरा एरिया असाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रैंडम जो एनिमल्स है वो पूरे एरिया में ग्रेज कर सके। तो ग्रेजिंग के लिए अगर ये एरिया अलाउ किया भी जाता है तो एक सेलेक्टेड एरिया पे ही ग्रेजिंग अलाउ की जाती है। फिर लास्ट में आता है सबसे इनर मोस्ट, दैट इज अ कोर जोन, जो मेन प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर आपके जो मेन स्पीसीज हैं वो इस एरिया में रह रही होती है जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तो बायोस्फीयर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है अलॉन्ग विथ आपका ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैब, जिसको अभी हमने देखा, मैब जिसको हमने बोला कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्लियर, सेम लाइक यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया था, हमने आगे देखा कि जो 1971 में यूनेस्को ने मैप स्टार्ट किया था, पर बाद में 1975 में ये कन्वर्ट हो गया बायोस्फीयर रिजर्व में, लेकिन इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ इन ईयर 1986 में। आपको ध्यान रखने होंगे ये दो इयर्स इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट है कि क्यों मैप प्रोग्राम को क्यों डेवलप किया गया, ताकि हम लोग नेचुरल एंड सोशल साइंस को इन्वॉल्व कर सके फॉर रेशनल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ प्रोडक्ट विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द नेचर अलोंग विथ कंजर्वेशन
of the resources of the biosphere. Clear? इन दोनों काम के लिए, यानी आप सिंपल से वर्ड में बोले तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि हम किसी भी एरिया के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके, एंड अलोंग विद द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट. क्लियर? यानी अल्टीमेटली अगर हमें किसी एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ के लोकल लोगों को हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होगा. जैसा आपने टेंथ में पढ़ा होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जब अगर आप लोकल पीपल को वहाँ से निकाल के अगर उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हो तो बेसिकली क्योंकि हमें उस एरिया की नॉलेज नहीं होती है इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है. बट सपोज़ अगर हम वहाँ के लोकल पीपल को साथ में इन्वॉल्व कर दें तो उसकी प्रोटेक्शन के जो चांसेस हैं, यानी प्रोटेक्शन के जो इफेक्ट्स हैं, वो हमें बहुत जल्दी या कम समय में ही दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं. क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये दैट इज कॉल्ड मैप. यूनेस्को ने स्टार्ट किया था, जैसे हमने कहा यहाँ पर इन्होंने यूनेस्को की फुल फॉर्म दी हुई है, दैट इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? तो यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को स्टार्ट किया था इंडिया 1971 एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू बायोस्फीयर प्रोग्राम. क्लियर? अब आया आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रामसर साइट्स. क्लियर? रामसर साइट जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये सिर्फ आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. रामसर साइट एक्चुअली दिस इज द साइट ऑफ वेटलैंड्स, इसके अंदर हम वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन इसको रामसर नाम इसलिए दिया क्योंकि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का जो कन्वेंशन है वो सबसे पहले हेल्ड हुआ था इन रामसर सिटी ऑफ ईरान, दैट्स व्हाई इसको हम रामसर साइट्स के, वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं. क्लियर? ये वेटलैंड्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस है जिसकी, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जब एजेंसीज किसी एरिया में इंटरेस्टेड हो उसके प्रोटेक्शन में, तो रामसर साइट उनमें से एक है. द टर्म वॉज कॉइंड व्हेन द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स वॉज साइंड एट द सिटी ऑफ ईरान विच इज कॉल्ड रामसर इन ईयर 1971. क्लियर? मेन पर्पस क्या था? कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ वेटलैंड्स. क्लियर? जिसकी वजह से हम जो जुडिशियस यूज कैसे कर सके, उसको किस तरह से कंजर्व कर सके, उसमें तीन इंपॉर्टेंट एरियाज इन्वॉल्व हुए थे. लोकल लोगों को वहां इन्वॉल्व किया था, नेशनल अथॉरिटीज वहां पर इन्वॉल्व थी और यूनेस्को तो आया ही वहां पर, तो उसके साथ साथ में यानी इंटरनेशनल कॉपरेशन भी वहां पर इन्वॉल्व हुआ ताकि हम उन वेटलैंड्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके. क्योंकि फिर टाइम बीइंग वेटलैंड्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इधर या तो हम उनको कन्वर्ट करते जा रहे हैं फॉर द कल्टिवेशन पर्पज के लिए, या तो हम उसको फार्मलैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लाकर वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं. तो अब हम देखते हैं कि जो वेटलैंड्स हैं बेसिकली उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. तो इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंस की बात करें तो वेटलैंड्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन है वेटलैंड्स का नेचर में वो ये है कि वो ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो फ्लड वगैरह है तो वाटर क्वांटिटी को रेगुलेट करते हैं. क्लियर? तो जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है एंड अल्टीमेटली दे रेगुलेट फ्लड्स और स्टोर्म्स के जो इम्पैक्ट है उसको वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट आता है कि ये वो एरिया है जहाँ पर आपको बहुत हाई रिचनेस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और एग्रीकल्चर दिखाई देता है. क्लियर? और ये वो एरिया है जो वेटलैंड्स है जहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो उस एरिया को विजिट करते हैं, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है. और लास्ट में आया है क्योंकि वहाँ पर रिच प्लांट और एनिमल स्पीसीज मिलती है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पज से भी प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ नियर बाय वाटर बॉडी होने की वजह से प्लांट्स को अच्छा सा पानी मिलता है, वहाँ का ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत हाई होता है, तो अल्टीमेटली वहां पर कल्टीवेशन बहुत लार्ज स्केल पे हो सकता है. सो दे आर द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड हो सकते हैं. तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स. ठीक है? सी द वेटलैंड्स. क्लियर? बहुत लार्ज स्केल पे फैले होते हैं
और ये अपने वाटर बॉडी, ये जो वाटर बॉडीज होती हैं, ये अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत लार्ज स्केल पे अफेक्ट कर रही होती है। क्लियर, बहुत रिचनेस आपको दिखाई देगी चारों तरफ। अब आते हैं सैक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स। ठीक है, सैक्रेड जैसे हमने कहा कि दीज आर सैक्रेड प्लेसेस, वो होते हैं जो किसी भी वर्शिप प्लेस के चारों तरफ होते हैं। क्लियर, जहाँ पर लोगों की जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, स्पेशली जो उस इलाके में रह रहे होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, वो उसको बहुत लार्ज स्केल पे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो वी हैव कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस की हिस्ट्री है ही, हम देखते ही हैं ऑलमोस्ट, जैसे हमने आगे भी पढ़ा कि ऑलमोस्ट हर गॉड या गॉडेस के साथ में हमने कोई प्लांट या एनिमल को एसोसिएट किया हुआ है। तो दैट इज व्हाट, जस्ट टू मेक श्योर कि हम उन एनिमल और प्लांट्स को किसी भी टाइप का नुकसान ना पहुंचाए, यानी अल्टीमेटली हम उनको प्रोटेक्ट करें। क्लियर, तो पॉइंट ये आता है कि इन मैनी कल्चर, जैसे कुछ ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट को हम कंसिडर करते हैं ना, कुछ ट्रीज वाइल्ड लाइफ विद इन वर्ल्ड वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, यानी उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी जो सर्वाइवल है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। अब इसके ऊपर आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, जिसको आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो इनको देखना सैक्रेड ग्रोव्स। तो उसमें खांसी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, ये आपका फर्स्ट सैक्रेड ग्रोव है। देन अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घास रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, देन आता है सरगुजा चंदा एंड बस्तर इलाका है, ये बस्तर इलाका एमपी का है, मध्य प्रदेश का, एंड देन मेघालय के अंदर। तो मेघालय में तो आपको बहुत लार्ज स्केल के ऊपर ऐसे सैक्रेड ग्रोव्स मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, यानी वही वापस एंडेमिक स्पीसीज मिलती हैं यहाँ पर, जो लास्ट रिजर्वोयर है यहाँ पर। अगर ये यहाँ से ख़त्म हुए, यानी अगर ये सैक्रेड ग्रोव्स वापस लोगों के हाथ में आ गए और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अगर स्टार्ट हो गई, तो ये इतनी फास्ट रेट पे डिस्ट्रॉय होंगे, और यहाँ पर जो प्रेजेंट एनिमल और प्लांट्स हैं वो एंडेमिक है, इसलिए वो यहाँ से अगर खत्म हुए तो उनका जीन पूल इस पर से टोटली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, ये पिक्चर हमने दी हुई है सैक्रेड ग्रोव्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर देखें कि हेरिटेज ट्री है साल, तो साल जो है सैक्रेड ट्री यहाँ पर बताया गया है, यानी ये लोग जो साल है शोरिया रोबस्टा उसको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं इस इलाके में। तो जब इनको प्रोटेक्ट किया गया है, मीन्स यहाँ पर इन फॉरेस्ट में इन जो ट्रीज है साल ट्रीज की कटिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म दिखाई देता है, रिच बायोडाइवर्सिटी आपको सैक्रेड ग्रोव इलाके में दिखाई देती है। क्लियर, अब आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको आपने काफी न्यूज में देखा ही होगा कि जो राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी है, वो बिश्नोई कम्युनिटी सैक्रेड प्लांट्स यानी खेजड़ी का प्लांट उसको प्रोटेक्ट करती है, और वहां पर मिलने वाले ब्लैक बग को प्रोटेक्ट करती है। तो क्लियर, तो ये जो ब्लैक बग है और जो खेजड़ी है उसको राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है, तो इसी की वजह से ये प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज ये कम्युनिटी अगर इनको प्रोटेक्ट करना बंद कर दे तो ये बहुत ही जल्दी इस नेचर में से एक्सप्लॉइट हो जाए, एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से नेचर में से ही बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सिट्यू कंजर्वेशन। तो हमने देखा कि जब एक्सिट्यू की बात करते हैं तो हम थ्रेटन प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में से ले जाते हैं बाहर, और उनको एक ऐसे स्पेशल प्लेसेस में रखते हैं जहां पर हम उनको ब्रीड करवा सके, हम उनको स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। क्लियर, तो ये हो गया एक्सिट्यू, आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ऑफसाइट कलेक्शंस की बात करें ना, ऑफसाइट यानी हमने उसको उसके नेचुरल प्लेस से निकाल दिया है, तो क्या हो सकते हैं ये, जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी। क्लियर, ये सब क्या है, एक्सिट्यू है। क्वेश्चन इसी पे ही आता है कि इसमें से कौन इनसिट्यू है कौन एक्सिट्यू है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो एक्सिट्यू में आती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को रखते हैं जो नेचर के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट उनको एनी हाउ हमने जूलॉजिकल पार्क्स या बॉटनिकल गार्डन्स में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे आप पैंडा की बात कर सकते हो कि जो चाइनीज पैंडा है,
एक लिमिटेड माउंटेन एरिया ऑफ चाइना में ही मिलता है। अगर आप उसको वर्ल्ड में किसी दूसरी जगह पर देखोगे तो आपको वो सिर्फ जूलॉजिकल पार्क्स में ही दिखाई देंगे। वो इसी वजह से क्योंकि ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब आप इनको ब्रीड करते हो एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में, सो यू कैन फाउंड देम ओनली इन जूलॉजिकल पार्क्स ओनली। तो सिमिलर लाइक अगर हम बात करें तो मोर देन 1500 बॉटनिकल गार्डन और आर्बोरिटा है जहाँ पर सीड बैंक, टिश्यू कल्चर वाली फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, एंड द सिमिलर लाइक 800 जितने जूलॉजिकल पार्क्स हैं। ये जो भी जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन्स की जो हमने बात की, वहाँ पर ब्रीडिंग प्रोग्राम हमेशा रन करेंगे, क्योंकि आप उन प्लांट्स को जब प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हो तो उस आपके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है ना, वो इनके नंबर्स को इंक्रीज करना है, इसलिए वहाँ पर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स ऑलवेज रन करेंगे। नेक्स्ट आता है जीन बैंक्स। जीन बैंक्स में आप वायबल सीड्स को रखते हैं, लाइव ग्रोइंग प्लांट्स को रखते हैं जिनको ऑर्कास बोलते हैं, टिश्यू कल्चर प्रोग्राम वहाँ पर रन करते हैं, और साथ साथ में फ्रोजन जर्म प्लाज्म को भी आप रखते हैं। जर्म प्लाज्म यानी गैमेट्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे पॉलिन ग्रेन्स को अगर हम प्रिजर्व करके रखें, क्लियर। तो ये जो जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करना होता है, सीड्स को प्रिजर्व करना होता है, तो उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। द क्रायो मीन्स वेरी कूल। तो इसमें जब हम प्रिजर्व रखते हैं तो उसको हम -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखते हैं। ये एक आपका MCQ आपको दिखाई देगा। तो व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी अब हमने बायोडायवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली कि क्या होती है बायोडायवर्सिटी, क्या पैटर्न्स हैं उसके, why we are losing the biodiversity at very fast rate and what efforts we can make to protect them, to conserve them। अब पॉइंट आता है यहाँ पर कि इंटरनेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या किए जा रहे हैं, तो ये एफर्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें आता है द अर्थ समिट। आप पढ़ते होंगे कि बहुत सारे जो नेशंस के जो लीडर्स होते हैं वो ऐसे कोई अर्थ समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने जाते हैं। तो जो फर्स्ट अर्थ समिट है वो हेल्ड हुआ था, दैट इज रियो डी जेनेरो, दैट इज इन ब्राजील इन ईयर 1992, एंड दैट टाइम वहाँ पर नियर अबाउट 152 नेशंस ने यहाँ पर साइन किए थे और वर्क लिया था कि वो लोग बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के ऊपर काम करेंगे। देन आया एजेंडा 21, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट है, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंकरेज किया गया। एंड देन सेकेंड जो है अर्थ समिट वो वापस हुआ इन ईयर 2002 में, और वो हुआ जोहान्सबर्ग, विच इज अ सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। वहां पर नियर अबाउट 190 कंट्रीज ने प्लेज ली सेम लाइक फॉर द रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पे। ये MCQ का क्वेश्चन आता है कि जोहान्सबर्ग में हुआ था, तो आपको वहां का एम दिया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए जो लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे जो काम हुआ, वो उसकी जो ट्रीटी थी उस पे साइन कौन सी सिटी में हुए, तो दैट इज जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। क्लियर। तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस टॉपिक, यानी अल्टीमेटली इस चैप्टर को पढ़ के हमको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही बात समझ में आई कि ये अर्थ जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के रहने के लिए नहीं है, दूसरे एनिमल्स का भी उतना ही हक है इस जमीन पर रहने का जितना ह्यूमंस का है। क्लियर। तो हमारी मोरल और एथिकल ड्यूटी यही बनती है कि हम अपने सर्वाइवल के साथ साथ में दूसरी स्पीसीज के सर्वाइवल पे भी काम करें। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी एक्सटिंक्ट होने वाली जो स्पीसीज है, जो भी एंडेंजर स्पीसीज है, उसको हम प्रोटेक्ट करें और हम उसको वो सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो अपने नंबर्स इस नेचर में बढ़ा सके, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो सिर्फ उनको पिक्चर्स में ना देखे और रियल में भी उनको हम देख पाए। क्लियर। तो विद दिस टॉपिक वी आर एंडिंग दिस चैप्टर विच इज बायोडाइवर्सिटी।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस यूनिट के दो चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं करंट सिलेबस में, तो अल्टीमेटली इस पूरी यूनिट का जो वेटेज है वो सिर्फ दो चैप्टर्स पे आ जाता है। इसलिए आपको इस चैप्टर में से डेटास, डेट्स क्लियर बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं। सो थैंक यू सो मच।